हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक इन्फो इन हिंदी में। मैं हूं अनीस और मैं आपसे आज बात करने वाला हूं ओप्पो के F1S फोन के बारे में, जो कि अभी अभी लॉन्च हो चुका है इंडिया में। और मैं इससे पहले वीडियो बना के आपको दिखा चुका हूं कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या क्या हो सकता है। एक्सपेक्टेड जो स्पेसिफिकेशन था वो मैं आपको बताया। अब जो रियल में स्पेसिफिकेशन आ चुका है तो वो मैं बताऊंगा, प्राइस भी आ चुका है वो सब भी मैं बताने वाला हूं, साथ साथ मैं अपना ओपिनियन भी आपसे शेयर कर लूंगा। चलिए फ्रेंड्स, इसके जो प्राइस है उससे हम स्टार्ट करते हैं। प्राइस जो है 17,999 के प्राइस में आ रहा है। इस प्राइस रेंज में आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। डिजाइन तो आपको मैं पहले वीडियो में बताया था फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं डिजाइन को। डिजाइन बहुत ग्लॉसी लुक है, पीछे से थोड़ा कर्व दिया गया है जो कि हाथ में ग्रिप बैठेगा, फिट बैठेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने जाना डिजाइन, अब हम जानते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। इसका जो डिस्प्ले है फ्रेंड्स, इसका डिस्प्ले 5.5 इंच का डिस्प्ले है, जिसका HDIPS डिस्प्ले है, जिसमें रेजोल्यूशन आपको 720x1280 पिक्सल का मिलेगा। साथ साथ आपको इसमें स्क्रीन प्रोटेक्शन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4 लगा होगा। तो ये हो गया इसके डिस्प्ले के बारे में बात। अगर हम इसके इंटरनल पार्ट को जाने तो इंटरनल पार्ट में आपको 32GB का इंटरनल मेमोरी मिल जा रहा है, जिसको आप 32GB तक और एक्सपेंड कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड लगा के। साथ साथ आपको इसमें 3GB का रैम देखने को मिल जाएगा, उसके साथ आपको ऑक्टा कोर MediaTek का प्रोसेसर मिल जा रहा है। तो ये सब हो गया। अगर हम जाने इसके GPU के बारे में, GPU इसका माली का T860 का GPU इसमें दिया गया है। तो ये हो गया इंटरनल पार्ट। अगर हम जाने इसके कैमरे के बारे में तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं इसका 13MP का बैक कैमरा है विद फ्लैश। फ्रंट कैमरा जो कि बहुत धमाकेदार है वो है 16MP फ्रंट कैमरा, तो बहुत ही धमाकेदार है। अगर हम बैटरी जाने तो बैटरी जो है इसका आपको 3075 mAh का बैटरी इसमें देखने को मिल जा रहा है, जो कि अच्छा बैकअप देने वाला है। तो ये तो हो गया पूरा स्पेसिफिकेशन। अदर फीचर्स अगर हम जाने इसमें तो फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है आपको, और अदर जो चीजें हैं इसमें 4G है, 2G, 3G, Wi-Fi हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ और सेल्फी का जो, ये जो फोन माना जा रहा है कि ये सेल्फी, एक तरह का सेल्फी फोन है, जो मतलब कंपनी फोकस करके, सेल्फी पे फोकस करके ही ये फोन निकाला है। तो इसमें 16MP का आपको दिया जा रहा है, जो कि अच्छा आपको सेल्फी लेने के लिए, जो शौकीन रहते हैं बहुत अच्छा, जिनको लगता है सेल्फी लेना, हर समय अपडेट रहते हैं फेसबुक या व्हाट्सएप पे, तो उनके लिए फोन बहुत ही धमाकेदार है। 17,000 के 18,000 के प्राइस में बहुत धमाकेदार फोन है फ्रेंड्स। सेल्फी के लिए इस फोन में बहुत सारे ऐप आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको सेल्फी लेने में और अच्छा, आपको आपका जो फोटो है उसको और भी अच्छा बना देंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक सेल्फी फोन है, इतना ही बोलना चाहूंगा, जो कि 17,000 से 18,000 के प्राइस में आ रहा है। आप अगर सेल्फी के शौकीन हैं, हर टाइम आप अपडेट रहते हैं फेसबुक या व्हाट्सएप पे, अपना सेल्फी देते हैं, तो ये फोन आप जरूर ले सकते हैं। और भी चीजें जो है इसका इंटरनल पार्ट अगर हम देखें तो 3GB का रैम मिल रहा है, तो उतना कुछ इंटरनल में कुछ खास नहीं है, क्योंकि आपको 12,000 के प्राइस में ऐसे इंटरनल पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो कैमरा है 16MP, यही सिर्फ इस फोन में खास है, बाकी चीजें कुछ इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। बैटरी भी आपको देखने को मिल जाएगा 10,000 से 15,000 के प्राइस के रेंज में। तो फ्रेंड्स, इतना ही बोलना चाहूंगा इस फोन के बारे में। अगर आपको खरीदना है तो 11 अगस्त से ये फोन आपको Amazon इंडिया में देखने को मिल जाएगा, साथ साथ इंडिया में जितने भी रिटेलर हैं उनके पास ये देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप वहां से ले सकते हैं इस फोन को। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं, कमेंट करें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए।